राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले में हुआ था और उनका मृत्यु 30 नवंबर 2010 को 43 साल की उम्र में भिलाई छत्तीसगढ़ में उनका मृत्यु हुआ था। वो एमटेक किए थे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से और वो अविवाहित थे। वो एक भारतीय प्रखर वक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वे मृत्यु तक रहे। वे राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। तो राजीव दीक्षित जी अपने भाषणों के जरिए इतने ज्ञान समग्र भारतवर्ष में प्रचार किए हैं, जो कि आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और उनके उद्बोधन में सबसे महत्वपूर्ण है जैविक कृषि या जैविक खेती के बारे में। तो आज हम जानते हैं किस प्रकार जैविक खेती से हमारे भारत में समृद्धि लाया जा सकता है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं। ये खाद तो आप खेत में डालोगे, बहुत उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बड़ी होगी, उसके खेत में कीड़े लगेंगे। जिस खेत में यूरिया पड़ता है कीड़े उसी खेत में लगते, जहां डीएपी लगता है सबसे ज्यादा फसल को बर्बादी उसी खेत में आती। तो पड़ोस का किसान नहीं माना, वो यूरिया डालेगा, कीड़ा उसके खेत में आएगा, फिर वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं है आपने। तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर? उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूं, कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है, नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है, उसके पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है, उसको आंकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आंकड़ा कहते हैं, उसको अकौआ भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा, पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको, हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आंकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें 0.5-1.5 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में। उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, 0.5 किलो लहसुन पीस के डाल दो, 0.5 किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो, और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो, और ये 1 एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है, और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गई। अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो, एक एक साल, दो दो साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया और खाद बना लिया।